Okay. In the class. Okay. Now, in the class, okay, so we will study or we will speak around in Hindi language, okay? We will talk in Hindi. And how will you? अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ पे जो कुछ कहूँ वो सब कुछ आप आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ पे मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए, समझिए, एनालिसिस कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज अच्छी है, अगर आपको लगता है कि इससे भी लाइफ में कुछ हेल्प मिल सकती है, अगर इस चीज से मुझे आगे बढ़ने में कोई मदद मिल सकती है, तो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, अगर नहीं तो उसे छोड़ दीजिए. सब ऐसा कोई कुछ नहीं होता है. लेकिन एक बात याद रखना, आपकी कीमत कभी कम नहीं होगी,
ये बात हमेशा याद रखना कि आप स्पेशल हो. ऑल राइट, सब मेरे साथ बोलिए आई एम स्पेशल. आई एम स्पेशल. आपने गुरु शिष्य की कहानी सुनी होगी. एक गुरु था, उन्होंने शिष्य को चमकता हुआ पत्थर दिया बड़ा सा और बोला कि इस पत्थर की कीमत जान के आओ. उसको बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जान के आओ. वो शिष्य बाजार में गया, पहले सब्जी वाले से मिला और बोला कि आप मुझे इसकी क्या कीमत दे सकते हो. सब्जी वाले ने कहा वैसे तो मेरे को काम करनी है लेकिन घर पे मेरा छोटा बच्चा है उसको खेलने के काम आएगा तो मैं आपको इसका 5 रुपया दे सकता हूँ. जिसने पत्थर वापस ले लिया, आगे गया एक सुनार की दुकान में गया, वहां जाके दिखाया आप मुझे इसका कितना दे सकते हो. सुनार ने पत्थर देखा, बोला मैं आपको इसके 50,000 रुपये दे सकता हूँ. शिष्य ने पत्थर वापस ले लिया, आगे गया एक जौहरी की दुकान में गया, वहां जाकर पत्थर दिखाया. जौहरी ने क्या किया, एक लाल मलमल का टुकड़ा निकाला, टेबल पे रखा, उसके ऊपर पत्थर रखा और शिष्य को क्या बोला बताए, अगर मैं अपनी पूरी दुकान भी दे दूं, इस राज्य का राजा अपना पूरा खजाना भी दे दे, फिर भी इसकी कीमत चुका नहीं सकती. ये बहुत ही अनमोल और नायाब हीरा है, इसकी कीमत लगा ही नहीं सकते. शिष्य ने पत्थर वापस लिया और गुरु जी के पास आया और गुरु जी को बोला गुरु जी ये तो बहुत अनमोल हीरा है, नायाब हीरा है, इसकी कीमत ही नहीं लगा सकते. गुरु जी ने कहा सही बात है, इससे तुम क्या सीखे. शिष्य ने कहा हर एक इंसान एक ही चीज की अलग अलग कीमत करता है अपने हिसाब से, उसका वो कैसा इस्तेमाल कर सकता है उसके हिसाब से. एक श्लोक है आमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम न औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योज प्रस्तुतम. अर्थात इस दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसे आप मंत्र ना बना सके. इस दुनिया में ऐसा कोई पेड़ या कोई पौधा नहीं है जिसकी आप दवाई ना बना सके. उसी तरह इस दुनिया में कोई भी इंसान बेकार नहीं होता, सिर्फ इसका इस्तेमाल करने वाला दुर्लभ है. मतलब हमें भी लाइफ में बहुत सारी एबिलिटीज दी है, हमें भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज दी है, जो काम मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो वो नहीं कर सकता. आपने जो कैपेबिलिटीज है वो आपकी यूनिक कैपेबिलिटीज है. अगर आपने अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज पहचान ली और उसके ऊपर अप्लाई किया, उसके ऊपर काम किया, तो लाइफ में आप जो चाहो वो कर सकते हो. राइट, मेरा एक दोस्त था जो जॉब करता था और मुझे पता था कि वो जॉब से खुश नहीं है, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे तो वो मुझे बता रहा था कि वो कैसे अपनी जॉब से दुखी है, खुश नहीं है. तो मैंने बोला अगर वो भी जॉब से इतना ही दुखी है तो ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देता, कुछ और कर ले. तब उसने क्या कहा पता है, उसने कहा कि मैं वो करना चाहता हूं लेकिन, और ये लेकिन वर्ड है ना वो बहुत बार आ गया, लेकिन किंतु परंतु. फिर मैंने सोचा कि ना और लोगों से पूछते हैं और फिर मैंने लोगों से पूछना शुरू किया क्या लाइफ में क्या करते हो, मुझे बता दो लाइफ में क्या करते हैं. फिर मैंने पूछता कि तो क्या ये आपका पैशन है, आप लाइफ में यही करना चाहते हो, तो बोलते कि नहीं मेरे ये लाइफ में ये नहीं करना चाहता, मैं लाइफ में वो चीज करना चाहता हूँ. और फिर उनको पूछता तो अगर आप लाइफ में वो चीज करना चाहते हो, आपका पैशन करना चाहते हो, तो आप क्यों नहीं करते. और उन्होंने बोला कि मैं वो करना चाहता हूँ लेकिन किंतु परंतु कोई चीज बता दो, लेकिन किंतु परंतु मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे घर का सपोर्ट नहीं है, मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, कुछ भी लगा दो. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप इस लेकिन के पीछे छुपते हो तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा. आपको इस लेकिन के पीछे छुपने से बचना होगा. लेकिन अगर बोलोगे सर लेकिन वो बात भी सही है ना, अगर आपके पास पैसे ना हो, फैमिली का सपोर्ट ना हो, तब कैसे आगे बढ़ सकते. सही बात है ना, आप सब बोलेंगे. अच्छा मैं आपको दो भाइयों की बात बताता हूँ. दो भाई थे, एक भाई था क्रिमिनल बना था और जेल में था और दूसरा भाई जो था वो पढ़े लिखकर आगे बढ़कर बहुत बड़ा ऑफिसर बना था. तो एक न्यूज पेपर वालों को उनके बारे में पता चला, उन्होंने सोचा कि दोनों भाई एक ही जगह से निकले लेकिन अलग अलग जगह पहुंचे, उसके पीछे रीजन क्या है, राज क्या है. तो उन्होंने सोचा कि दोनों का इंटरव्यू लिया जाए. तो उन्होंने एक रिपोर्टर को भेजा उन दोनों का इंटरव्यू लेने के लिए. वो रिपोर्टर पहले उस भाई के पास गया जो कि जेल में था, वहां जाकर उनसे उसने उस भाई से पूछा कि आप जेल में हो, क्रिमिनल बने हो, उसके पीछे वजह क्या है. उस भाई ने क्या कहा पता है, उस भाई ने कहा मेरा बाप दारू पीता था, मुझे मारता था, मेरी माँ को मारता था, जुआ खेलता था, मारपीट करता था, चोरी करता था, बहुत बार जेल जा चुका था और मैं ऐसे माहौल में ही पला बढ़ा और मैंने मेरे आगे पर भी जेल से कुछ देखा है और मैंने ये जो ये सब देखा है तो उससे अलग क्या सीख सकता था, मैंने जो देखा वही मैंने सीखा. सही बात है, एग्री राइट.
फिर वो रिपोर्ट जब दूसरे भाई के पास गया जो पर्टिकल आगे बढ़ा था, वहां जाकर उन्होंने वही सवाल किया कि आप पर्टिकल जितने बड़े ऑफिसर बने आपकी सफलता का राज क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर सक्सेस। उस भाई ने क्या कहा पता है, उस भाई ने कहा मेरा वक्त जादू देता था, चोरी करता था, जुआ खेलता था, मारपीट करता था, जेल जा चुका था, मैंने मेरे बाप की लाइफ देखी थी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मेरी लाइफ ऐसी नहीं जीऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, इससे अच्छी, इससे अलग, इससे बेहतर लाइफ बनाऊंगा। सोचिए दोस्तों, दो भाई एक ही घर में से निकले, एक ही जगह से निकले, एक ही सिचुएशन से निकले, लेकिन अलग अलग जगह पर पहुंचे, क्योंकि नजर ही अलग था। एक ने सोचा कि मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता, और दूसरे ने सोचा कि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है तो मैं इसका सामना करूंगा और इससे आगे निकलूंगा और बहुत अच्छी लाइफ बनाऊंगा। दोस्तों, हमारे साथ क्या हो रहा है या हमारे आसपास क्या हो रहा है ये हम कभी चूज नहीं कर सकते, लेकिन उसके सामने कैसे रिएक्ट करना है ये हमारे हाथ में है। हमारे आसपास क्या हो रहा है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उसके साथ क्या कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है। तो जो हमारे कंट्रोल में है वो हमें करना पड़ेगा, राइट? ओके, अच्छा, एक ओके अच्छा, आपने काफी लोग बोलेंगे, आपने काफी लोगों को सुना होगा जो बोलते हैं कि मैं एक दिन ये करूंगा, एक दिन वो करूंगा, मैं एक दिन का बिजनेस बनाऊंगा, या एक दिन पतला हो जाऊंगा, या एक दिन सिगरेट छोड़ दूंगा। काफी सारे लोग बोलते हैं एक दिन आपने देखा होगा, काफी लोगों देखा है ना, काफी लोग बोलते हैं ये करूंगा, एक दिन वो करूंगा, काफी लोगों ने देखा है। कुछ लोग तो सुबह उठकर उस इंसान को आईने में देखते हैं, ठीक है, एक दिन कभी नहीं आता। याद रखिएगा, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, इस दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं है जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप एक प्रॉब्लम से निकलोगे तो दूसरे प्रॉब्लम में जाओगे, प्रॉब्लम फ्री मूवमेंट कभी नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम का सामना करके आगे बढ़ना है। ये जो लेकिन है, ये जो किंतु है, ये परंतु है, वो हमारे सपनों का हथियार है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें जो हम करना चाहते हैं, बहुत सारी जगह है जहां हम जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम महसूस करना चाहते हैं, और हम इस लेकिन के ऊपर रुक जाते हैं और हमारे आसपास एक पिंजरा बना लेते हैं कि इससे आगे हम जा ही नहीं सकते। लेकिन की वजह से हम चीजों को टालते रहते हैं, लेकिन की वजह से हम डर के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन की वजह से हम अपने आलस में जीते रहते हैं और हमें जो सपना अचीव करना है वो नहीं करते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इस लेकिन को अपनी जिंदगी से हटाकर बाहर निकलना होगा, आपको इस लेकिन को हराना होगा, आपको इस लेकिन को मार डालना पड़ेगा। एक दिन हम लोगों ने एक अंतिम संस्कार किया, लेकिन को दफना दिया। हमने कहा लेकिन तुमने बहुत सारे सपने और बहुत सारे टैलेंट को मार डाला है, लेकिन अब तुम इस टैलेंट को नहीं मार पाओगे। सब मेरे साथ बोलिए लेकिन मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, मेरी जिंदगी में वापस कभी और मत आना, तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। अपने आसपास वालों से हाथ मिलाओ और कहो लेकिन को मार डालो, लेकिन को मार डालो। आपके साथ लोगों में बोलेंगे सर मेरा भी एक गोल था, मेरा भी एक सपना था और मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो हो नहीं पाया, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। एक 10-12 साल का लड़का था, अपने बगीचे में टहल रहा था, वहां पे उसने एक बिजली का कॉकून देखा। कॉकून सबको पता है कॉकून में से कितनी बार निकलती है, उसे बहुत अच्छा लगा, वो पूरा दिन बैठ कर उसे देखता रहा। वो कॉकून में एक छोटा सा छेद हो गया और वो छोटे से छेद में से कितनी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, वो कितनी कोशिश कर रही थी, ट्राई कर रही थी, बहुत प्रयास कर रही थी, और बहुत प्रयास करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाई, और फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी वो अचानक शांत हो गई। ऐसा लगा कि जैसे उसने बाहर निकलने का छोड़ दिया,
उस लड़के को फोन दिया आई, उसने सोचा कि उसकी हेल्प करते हैं। वो घर में गया, एक कैंची लेकर आया और कैंची से वो छोटा सा शेप था उसे थोड़ा बड़ा कर दिया कि जिससे वो किसी आसन से बाहर आ सके, और हुआ भी वैसे ही। जैसे वो छेद बड़ा हो गया वो तितली आसान से बाहर आ गई, लेकिन उसका शरीर बहुत सूजा हुआ था, पंख बहुत ही छोटे थे और वो धीरे धीरे रेंगती रेंगती बहुत कमजोर बाहर निकली और थोड़ी देर में वो मर गई। दरअसल संघर्ष वो चीज होती है जो हमें मजबूत बनाती है। दरअसल नेचर ने तितली का बाहर आने का तरीका इसीलिए इतना संघर्ष में बनाया है ताकि उसका जो शरीर है वो छोटा हो जाए, उसके शरीर में सिर्फ तरल पदार्थ वो पंखों में चले जाए और वो पंख मजबूत हो जाए और वो जैसे ही बाहर आए वो उड़ सके। लेकिन दया और जल्दबाजी के कारण उस लड़की ने उसे वो संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया और वो तितली कमजोर ही बाहर आई और जिंदा ही नहीं रह सकी। वास्तव में कभी कभी हमारी लाइफ में भी, हमारे जीवन में भी ये संघर्ष ही होती है जो हमें मजबूत बनाती है। ये अड़चन, संघर्ष, रुकावट का सामना हमें मजबूत बनाने के नेचर के तरीके होते हैं। अगर हमें भी सब कुछ इजीली मिल जाए, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी प्रॉब्लम के मिल जाए, तो हम भी उसकी तरह कमजोरी रह जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी लाइफ में कोई मुश्किल आती है, अगर आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आती है, तो उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि उसी का सामना करके आप स्ट्रांग, मजबूत और ताकतवर बनोगे और आप लाइफ में जो चाहोगे वो पा सकते हैं। चाइना में ट्री होता है चाइनीज बांबू ट्री, सुना है किसने? चाइना में ट्री होता है चाइनीज बांबू ट्री। उसका बीज अगर आप जमीन में डालते हो तो उस बीज में से पहला अंकुर बाहर निकलने में 5 साल लगते हो, पहला अंकुर बाहर निकलने, क्योंकि उसका जो बीज होता है बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही कठोर होता है। 5 साल पर पहला अंकुर बाहर निकलता है, लेकिन आपको उस 5 साल तक हर रोज उसको पानी डालना पड़ता है, उसमें खाद डालनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और अगर आपने 5 साल में कभी भी उसकी देखभाल करना बंद कर दिया तो वो जो बीज है वो जमीन में ही बच जाएगा। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि जब 5 साल के बाद पहला अंकुर जमीन से बाहर निकलता है तो सिर्फ 40 दिन में वो पेड़ 90 फीट ऊंचा हो जाता है। कितने दिनों में? सिर्फ 40 दिन में। तो सवाल यह है कि वो पेड़ 90 फीट 40 दिन में हुआ या 5 साल में? जवाब सबको पता है, 5 साल में। 5 साल लगते हैं उसकी नींव को, उसकी बुनियाद को, उसकी जड़ को मजबूत बनने में। 5 साल लगते हैं उसको विकास करने में। 5 साल लगते हैं उसको बढ़ने में। उसी तरह बहुत सारा समय लगता है लोगों को समझने में, बहुत सारा समय लगता है लोगों को जानने में, बहुत सारा समय लगता है बाजार को समझने में, बहुत सारा समय लगता है सिस्टम को जानने में, समझने में, सीखने में, बहुत सारा समय लगता है। इसीलिए आप में धीरज होनी चाहिए और कंटिन्यूस वर्क करते रहना चाहिए। दोस्तों हम लोग उस दुनिया में जीते जहाँ लोगों को सब कुछ तुरंत ही चाहिए, जैसे उनकी इच्छा हो तुरंत होनी चाहिए। सफलता के लिए जो कीमत चुकानी चाहिए वो चुकाने के लिए वो लोग तैयार नहीं होते, उनको सब कुछ इसीलिए चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इजी है, समझना बहुत इजी है, समझोगे बहुत इजी है, लेकिन करना बहुत कठिन है। आप इसको आसान समझने की गलती अभी कभी मत करिए। अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये इजी होता तो हर कोई ये करता, सही है ना? अगर ये इजी होता तो हर कोई ये करता। दुनिया में भी ओलंपिक्स में 10 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए लोगों को 10 साल मेहनत करते देखा है। सिर्फ 10 सेकंड का परफॉर्मेंस होता है और 10 साल का परफॉर्मेंस, 10 साल प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो बहुत 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 कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक गांव था, उसमें जो भाई दो दोस्त रहते थे, एक 6 साल का और एक 10 साल का, एक 6 साल एक 10 साल का, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते खाते पीते घूमते, दोनों साथ ही रहते थे। एक दिन वो दोनों खेलते खेलते गाँव के बाहर आ गए और खेलते खेलते उसमें से एक बच्चा था जो 10 साल का, वो कुएं में गिर गया। उसे कहना नहीं आता था, उसने वो चिल्लाने लगा। अब वो 6 साल का छोटा सा बच्चा था, बाहर था, उसने आजूबाज नजर की, एक उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया जो उसे हेल्प करिए आ सके। तभी उसकी नजर वहां पे पड़ी बाल्टी पर पड़ी, बाल्टी के साथ रस्सी बंधी हुई थी।
उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और बाल्टी उठाकर पानी में डाल दिया और दोस्तों बोला तू पकड़ ले। और फिर वो 6 साल का छोटा सा बच्चा उस बाल्टी को अपने दोस्त के साथ खींचने लगा, बहुत ट्राई करने लगा, बहुत प्रयास करने लगा और अपनी पूरी जान लगा दी और खींचने लगा। और आखिरकार तब तक हिस्सा रहा जब तक उसने अपने दोस्त को बाहर नहीं निकाल दिया और अपने दोस्त को बचा नहीं लिया। फिर जब गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनको पता चला कि ये हुआ था, तो पहले तो उन्होंने उस छोटे से बच्चे को शाबाश दी कि वेरी गुड, तुमने इसका इसकी जिंदगी बचाई। लेकिन सोचने लगे, अरे यार ये कैसे पॉसिबल, 6 साल का छोटा सा बच्चा 10 साल के बच्चे को उनमें से बाहर कैसे निकाल सकता है, इसमें तो इतनी ताकत नहीं, वो बाल्टी गरीब हो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, ये इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ पे दादाजी थे, उन्होंने बोला कि ये हो सकता है और मैं कहता हूँ कि इसने कैसे किया। और दादा ने पूछने लगे कैसे किया, दादा ने कहा ये लड़का ये इसीलिए ये कर पाया क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था इसको ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, यहां तक कि वो खुद भी। दोस्तों अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जिसमें प्रूव हुआ कि अगर कोई आपको ये कहे कि तू ये नहीं कर सकता और अगर कोई दूसरा अगर कहे कि तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, हितेश तू ये कर सकता है, ऐसा अगर आप 17 बार बोलोगे तब जाकर एक बार भी नेगेटिव हो जाएगी और जब आप 18 बार बोलते हो कि तुम ये कर सकते हो तब जाकर उसकी पॉजिटिव इफेक्ट तुम्हारे मन में पड़ती है। मतलब एक बार की नेगेटिव इफेक्ट निकालने के लिए आपको 18 बार पॉजिटिव बातें बोलनी पड़ेगी। और हम सबको बताए कि हम कौन सी बातें बोलते हैं, हमारे आसपास नेगेटिव लोग ही रहते हैं, तू ये नहीं कर सकता, रहने दे, मेरे बस का नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, कंटिन्यूस हमारे होमवर्क होते रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार की नेगेटिव इफेक्ट नहीं देनी, नेगेटिव इफेक्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलनी पड़ेगी। ऐसे लोगों के पास रहो जो आपको पॉजिटिव बातें बोलते रहे, अगर लोग नहीं बोलते तो खुद अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलते रहो। मैंने आपको पहले भी बताया ना, मैंने आपको बोला है क्या बताया, वो क्या किया आपने अपने माइंड को कमांड दी, ओके, हर रोज सुबह शाम अपने आप को कमांड देते रहो कि आई कैन डू इट, इट्स पॉसिबल, मैं ये कर सकता हूँ, कंटिन्यूस अपने आप को कमांड देते रहो सुबह शाम। लोकर अगर आप अपने आप को कमांड देते रहोगे तो लाइफ में आप चाहोगे वो कर पाओगे। लेकिन आप इसका कब भूलेंगे, इस तरह ऐसे कुछ बोलने से कुछ चेंज होता है, बोलेंगे काफी लोग बोलेंगे ये अगर मैं पॉजिटिव बातें बोलता रहूंगा तो चेंज होगा। अच्छा चलो एक एक्टिविटी करते हैं, हम सबके पास हाथ है, ओके, अपना हाथ देखो, जहां आपका हाथ खत्म होता है वन जी लाइन है, सबको दिख रही है, दिख रहे, अच्छा सबसे पहले ऊपर लाइन देखिए, ओके नीचे लाइन, ये नीचे लाइन जो दिख रही है वो देखो। अच्छा आप दोनों हाथ को साथ में रखो, लाइन दोनों मिलाओ ऐसे करो और दोनों हाथ ऐसे करो। अच्छा अब देखो किसी का एक हाथ बड़ा होगा, किसी का एक हाथ छोटा होगा या किसी के दोनों हाथ सेम होंगे, ओके नो प्रॉब्लम, जो भी हो सिर्फ याद रखना क्या है। अच्छा अच्छा अब अपना राइट हैंड अपने हाथ के आगे रखो, ऐसे एकदम स्ट्रेट रखो और अपने हाथ को कमांड देना है कि मेरा हाथ बड़ा हो रहा है, एकदम स्ट्रेट रखना है, जरा नहीं रखना है, ओके अपने हाथ को कमांड दो कि मेरा हाथ बड़ा हो रहा है, मेरा हाथ लंबा हो रहा है, अपने हाथ के अंदर खिंचाव महसूस करो, अपने हाथ के अंदर खिंचाव महसूस हो रहा है, अपने हाथ के अंदर खिंचाव महसूस करो, अपने हाथ स्ट्रेट करो, मेरा अंगूठा बड़ा हो रहा है, आपका अंगूठा बड़ा हो रहा है, आपकी उंगलियां बड़ी हो रही है, अपना हाथ बड़ा हो रहा है, कमांड दो अपने हाथ को, अपने हाथ को कमांड दो कि मेरा हाथ बड़ा हो रहा है, अपने हाथ के अंदर खिंचाव महसूस करो, महसूस करो खिंचाव अपने हाथ के अंदर, स्ट्रेट रखना है अपना। अच्छा अब वापस कोई चीज करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, किसी का बड़ा हुआ, ओके कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के नहीं हुआ, मतलब क्या है अगर आप 30 सेकंड भी अपने हाथ को कमांड देते हो तो अगर आपके हाथ में चेंज आ सकता है, तो अगर आप कंटिन्यू समझ आपको कमांड दोगे तो चेंज नहीं आएगा, आएगा 100% आएगा, लेकिन आपको कंटिन्यूस कमांड देना है और कंटिन्यूस मेहनत करते रहनी है, राइट। अच्छा तो ये चीज है कि अगर इतनी बात से अगर आपके हाथ में चेंज आ सकता है, ओके तो आप जो लाइफ जो गोल चूज करते हो, जो सपना बनाते हो वो अचीव हो सकता है।
आपके आपने भी अपनी लाइफ को सपना बनाया होगा, अपने सपने को अपनी नजर के सामने रखो। ऐसा मत सोचो कि लोग क्या बोलते हैं, ऐसा मत सोचो कि लोग क्या बोलते हैं, अपना सपना साथ में रखो, दिमाग में रखो। अगर आपको लगे कि इम्पॉसिबल है, फिर भी अपना सपना बना के रखो, क्योंकि आज आप लाइफ में जो कुछ देख रहे हो, इस दुनिया में जो कुछ देख रहे हो, लोगों को पहले इम्पॉसिबल लगता था। ये इम्पॉसिबल है, एक घोड़े का टुकड़ा अगर हवा में क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ओके, अगर 100-150 साल पहले कोई बोलता है एक लोहे का टुकड़ा यहाँ से वहां तक जाएगा तो क्या बोलते आप, पागल है। इससे क्या कहता हूँ, लोहे का बड़ा टुकड़ा लो, उसमें 100, 200, 500 लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लोग बोलेंगे पागल बात कर रहा है, इम्पॉसिबल चीज है। ये इम्पॉसिबल है कि अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेला जा रहा है तो जिस सेकंड पे वहां पे बॉल फेंकते उस सेकंड पे आप यहाँ देख सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। बिना किसी वायर के कनेक्शन के आप यहां से अमेरिका बात कर सकते हो, बिना किसी कनेक्शन के, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन साइंटिस्टों ने उसके बारे में नहीं सुना, उसके ऊपर काम किया, और आज हम एरोप्लेन देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, हमको इम्पॉसिबल नहीं लगता। तो अगर आपको लगता है, लोगों को लगता है इम्पॉसिबल, उसके बारे में मत सुनो। 1954, बिफोर 1954, इस दुनिया में, इस प्लेनेट के ऊपर एक बिलीफ थी, कि इंसान 4 मिनट की सीमा नहीं तोड़ सकता। मतलब इंसान इतना कैपेबल है ही नहीं कि वो 1 माइल 4 मिनट से कम समय में दौड़ सके, क्योंकि बहुत बार लोगों ने ट्राई किया था, बहुत बार लोग फेल हो चुके थे। तो इस प्लेनेट के ऊपर एक बिलीफ थी, ये इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ, रॉजर बैनिस्टर आया और उसने ये 4 मिनट की सीमा को तोड़ दिया, उसने 1 माइल 4 मिनट से कम टाइम दौड़ कर दिखा दिया। उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। उस दिन से आज तक 20,000 लोगों ने वो सीमा तोड़ी है। कितने 20,000 लोगों ने, स्कूल के बच्चों ने भी। क्या चेंज हुआ 20,000 लोग, क्या चेंज हुआ? चेंज ये हुआ कि वो लोग अब वो सोच के साथ दौड़ते हैं कि ये पॉसिबल है, अगर ये किसने किया है तो मैं ये कर सकता हूँ। क्या हुआ, पहले जो पुराने बिलीफ थी कि ये नहीं हो सकता, उसकी जगह ये नई बिलीफ आ गई कि ये हो सकता है। और अगर नई बिलीफ आती है कि ये हो सकता है, तो डाउट मर जाता है कि नहीं हो सकता। वो 20,000 लोग उस विश्वास के साथ दौड़े कि अगर कोई और ये कर सकता है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का कोई इम्पॉसिबल गोल है जिसने वो अचीव कर लिया, तो आप भी वो अचीव कर सकते हो, आप भी अपना इम्पॉसिबल गोल अचीव कर सकते हो। अगर किसी ने वो चीज करके दिखा दी लाइफ में कभी किसी ने नहीं की, तो आप भी वो कर सकते हो जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया है। राइट, सिर्फ आपको अपने अपने विश्वास होना चाहिए। मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके बारे में कुछ जानता हूँ कि आपने ग्रेटनेस छुपी हुई है, आपने वो ताकत है कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो, आपने वो टैलेंट है जो और किसी में टैलेंट नहीं है। लेकिन आपको अपने में विश्वास होना चाहिए और कंटिन्यूस वर्क करते रहना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा था, बहुत गरीब था, उसके पापा गैरेज में काम करते थे। उसके पापा ने एक दिन उसे बुलाया और एक गंदा से नया सा कपड़ा दिया, टुकड़ा दिया कपड़े का, और बोला कि इसकी कीमत क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी। बच्चे ने बोला इसका तो कोई 1 रुपया भी नहीं, मुश्किल से देगा। पापा ने कपड़ा दिया और बोला कि इसको 5 रुपये में बेच के दिखाओ मुझे। लड़के ने बोला ये कैसे पॉसिबल, इसका तो 1 रुपये कोई मुश्किल से देगा, 5 रुपये में कैसे इसको बेच के दिखा सकता। पापा ने बोला कोई बात नहीं, ट्राई तो करो, अगर नहीं होता तो चलेगा, लेकिन ट्राई करो। उसने सोचा कैसा क्या करो, उसने कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से धो दिया, क्लीन कर दिया, उनके घर में प्रेस नहीं थी तो कपड़ों के बीच में उसको रख दिया और एकदम स्ट्रेट कर दिया। फिर वो कपड़ा लेकर रेलवे स्टेशन पर चला गया और वहां बैठकर उसे बेचने लगा। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, किसी ने नहीं लिया, लेकिन आखिरकार एक आदमी ने उस कपड़े को 5 रुपये में ले लिया। वो बच्चा खुश हो गया, दौड़कर बोले पापा के पास आया, बोला पापा मैंने ये कपड़ा 5 रुपये में बेच दिया। पापा ने बोला वेरी गुड, शाबाश। उसके थोड़े दिन बाद पापा ने वापस ही वैसा गंदा सा वैसा कपड़ा दिया और बोला कि अब इसको 50 रुपये में बेच के दिखाओ। वो सोचने लगा, अरे यार 5 रुपये में तो मुश्किल से बेचा है, इसको 50 में कैसे बेच सकता हूँ। कपड़ा ले लिया, क्लीन कर दिया, धो दिया, प्रेस कर दिया, उसने ऐसा क्या कर सकता कि जिससे मैं इसको 50 में बेच सकूँ। उसका एक कजिन था, उसको पेंटिंग बहुत अच्छी आती थी, तो उसने अपने कजिन को बोला कि इस कपड़े के ऊपर मिकी माउस की पेंटिंग बना दो ना। उसने कपड़े के ऊपर मिकी माउस की पेंटिंग बना ली
और फिर वो कपड़ा लेकर बहुत बड़े स्कूल के पास चला गया जहाँ पे अमीर लोगों के बच्चे आते हैं। एक छोटे से बच्चे को ये कपड़ा बहुत पसंद आ गया और अपने पापा को बोला पापा मुझे कपड़ा लेना है, तो उसके पापा ने वो मिकी माउस वाला कपड़ा ले लिया 50 रुपए में और ऊपर से 10 रुपया ठीक दे दिया। वो लड़का बहुत खुश हो गया, पैसे लेके पापा से बोला, पापा को बोला पापा मैंने ये कपड़ा बेच दिया, पापा ने बोला वेरी गुड शाबाश। उसके थोड़े दिन बाद पापा ने वैसे ही गंदा सा मैला सा कपड़ा दिया और बोला इसको 500 रुपए में बेचने का। उस बच्चे ने कपड़ा ले लिया, इस बार नहीं सोचा कि कैसे हो सकता है, सोचा कि इसका क्या करूं जिससे उसको मैं ज्यादा से ज्यादा रुपये बेच सकूं। उसने कपड़ा धो दिया, क्लीन कर दिया, प्रेस कर दिया। उस टाइम पे वहां पे उसके शहर में अमिताभ बच्चन आए थे शूटिंग के लिए, वो बच्चा सिकड़ी तोड़ के निकल गया, छोटा सा बच्चा, तो बच्चा था जो सिकड़ी वाले रोका भी नहीं, अमिताभ बच्चन के पास चला गया और बोला कुछ प्लीज ऑटोग्राफ, अमिताभ बच्चन ने ऑटोग्राफ कर दिया। वो बच्चा कपड़ा से बाहर आया और एक जगह खड़ा होकर बोलने लगा कि अमिताभ बच्चन का साइन किया हुआ कपड़ा सिर्फ 500 रुपए में कौन लेना चाहेगा, सब लोग इकट्ठा हो गए, किसी मतलब 600 दूंगा, किसी मतलब 700 दूंगा, किसी मतलब 1000 दूंगा। अल्टीमेटली उसने वो कपड़ा 1200 रुपए में बेच दिया और वो कपड़ा लेकर वो अपने पापा के पास आया, बोला पापा मैंने ये कपड़ा 1200 रुपए में बेचा है। पापा की आंखों में आंसू आ गए और पूछा कि तुमने इस तरह से क्या सीखा। लड़के का पापा, अगर आप कोई भी चीज ठान लो, कोई भी डिसाइड कर लो, तो आप वो चीज कर ही रहते हो। पापा ने बोला सही बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये गंदा सा मैला सा टुकड़ा है, इसकी कीमत 1 रुपया भी नहीं है। अगर ये गंदा सा मैला सा टुकड़ा भी अगर अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है, तो हम तो जीते जाते इंसान है, क्या हम अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते हैं? उस लड़के के दिल में गंदा सा टुकड़ा भी वैल्यू बढ़ा सकता है, तो मैं अपनी वैल्यू भी नहीं बढ़ा सकता। आप सबके पास मोबाइल होगा, नया मोबाइल आते हैं आप लेते हो, नया सॉफ्टवेयर आते हैं आप लेते हो, नए फैशन के कपड़े आते हैं आप लेते हो, आप सब व्हाट्सएप अपडेट करते हो, आप FB अपडेट करते हो, आप सब कुछ अपडेट करते हो, लेकिन अपने आप को कभी अपडेट नहीं करते। आप नई नई टेक्नोलॉजी लेते हो, लेकिन आप आज भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम 2011 में थी, आप आज भी वैसे ही बोलते हो जैसे 5 साल पहले बोलते थे, आप आज वैसे ही बिहेव करते हो जैसे 5 साल पहले बिहेव करते थे। आपको 5 साल पहले भी बहुत अच्छा नहीं लगता था, आज भी अच्छा नहीं लगता। आपको 5 साल पहले भी स्टेज पर आकर बोलने से डर लगता था, लेकिन आज भी डर लगता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब कुछ अपडेट करो, सॉफ्टवेयर अपडेट करो, मोबाइल अपडेट करो, लेकिन उसके साथ अपने आप को भी अपडेट करते रहो। अगर छोटा सा कपड़ा, गंदा सा कपड़ा अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है, तो आप भी अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। और लास्ट में चीज करना चाहता हूँ, मैंने एक जगह कंसेप्ट सुना था कि लिव फुली डाई एम्प्टी, लिव फुली डाई एम्प्टी मतलब भरपूर जियो और एकदम खाली होकर मरो। इस दुनिया की सबसे कीमती जगह कौन सी है बताए? इस दुनिया की सबसे कीमती जगह किसने बोला? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लास वेगास। किसने बोला? नहीं, सोने की खान जहां से सोना मिलता है। किसने बोला? नहीं, हीरो की खान अफ्रीका में होती है जहां से हीरे मिलते हैं। और किसने बोला? नहीं, सबसे कीमती जगह है स्मशान, कब्रिस्तान, क्योंकि वहां पे वो सपने पड़े हैं जो कभी साकार नहीं हुए, वहां पे वो टैलेंट्स पड़ी, वो स्किल पड़ी है जिसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, वहां पे वो आइडियाज पड़े हैं जिसके ऊपर कभी काम नहीं किया गया, वहां पे वो बुक्स पढ़ी है जो कभी लिखी नहीं गई, वहां पे सॉन्ग्स पढ़े हैं जो कभी गाए नहीं गए, वहां पे वो डांस है जो कभी परफॉर्म ही नहीं किए गए, वहां पे वो पेंटिंग पढ़ी है जो कभी ड्रॉ ही नहीं की गई। लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या होता है? जब आप मर रहे होते हैं, जब आप मरने वाले होते हैं, पर आपके आस पास लाइफ ने आपको जो सपने दिए, आपको टैलेंट दिए, स्किल दिए, वो सब आपके आस पास घूम रहे हैं, किसी वजह से आपने सपने को काम नहीं किया, किसी वजह से आपने टैलेंट के इस्तेमाल नहीं किया, किसी वजह से आपने जो गिफ्ट मिली है उसका इस्तेमाल नहीं किया, और वो सब गुस्से बनी आंख से आपसे देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे पास आए थे और तुम ही थे जो हमें लाइफ दे सकते, और आज तुम्हारे साथ मर जाना। सवाल यह है कि आप अगर आज
मर जाते हो तो आपके साथ कौन सा सपना मर जाएगा, कौन सी टैलेंट, कौन सी गिफ्ट, कौन सी बुक, कौन सी डिस्कवरी आपके साथ मर जाएगी। एक वादा करो मुझसे कि जब आप इस धरती को छोड़ो तो वो सब हासिल करके छोड़ो जो आप कर सकते हो। कोई भी सपना पीछे छोड़कर मत जाओ, कोई भी अपॉर्चुनिटी पीछे छोड़कर मत जाओ। मरते हो कि अफसोस नहीं होना चाहिए कि लाइफ में शायद काश नहीं किया होगा। वो सब हासिल करके जाओ जो तुम हासिल कर सकते हो। लिव फुली एंड डाई हैप्पी। ऑलराइट, ओके। एंड लास्टली, जब मैं सुनने था तो एक पोएम आती थी हरिवंश राय बच्चन की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नंदी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगो में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार कर। मन का विश्वास रखो में साहस बढ़ता है। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्याग होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लास्ट नंबर बोलेंगे मेरे साथ, सफल बोलिए आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। साथ द ग्रेट डॉक्टर ए के सरनाथ से विदा लेता है।